वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्यवाही हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप विंडोज 10 को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसे माइक्रोसॉफ्ट के डिजिटल लाइसेंस से फ्री में एक्टिवेट कर सकते हो। आज का वीडियो हम उन बिगिनर्स के लिए बनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल शुरू से इस प्रोसेस को सीखना चाहते हैं। आज हम अलग अलग कई तरीकों से विंडोज की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना सीखेंगे, फिर हम उस आईएसओ फाइल से एक बूटेबल यूएसबी बनाएंगे, फिर उससे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन के बाद आपकी विंडोज फुल्ली एक्टिवेट होगी। किसी भी तरह के एक्टिवेटर या एक्टिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम विंडोज 10 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करना सीखेंगे, जिसके लिए हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, फिर एड्रेस बार में टाइप करेंगे विंडोज 10 डाउनलोड और सर्च कर देंगे, फिर इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट की इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ कोई डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पहले मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए इस डाउनलोड टूल नाउ के बटन को क्लिक करेंगे, फिर हम सेव बटन को क्लिक करके इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। उसके बाद हम इस आइकॉन को क्लिक करके डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहां से लैंग्वेज एडिशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, फिर यहां से आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, डाउनलोड फोल्डर को सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। इसके बाद आपकी विंडोज फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो था पहला तरीका जो सभी यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक दूसरा तरीका जिससे आप बिना मीडिया क्रिएशन टूल के डायरेक्ट विंडोज 10 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूं और बिना मीडिया क्रिएशन टूल के इस फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड करके दिखाता हूं, जिसके लिए हम फिर से उसी माइक्रोसॉफ्ट के पेज को ओपन कर लेते हैं और फिर इस पेज पर राइट क्लिक करते हैं। इसके बाद हम इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहां इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मोर टूल्स में जाएंगे, फिर हम यहां नेटवर्क कंडीशन पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहां नीचे इस डिफॉल्ट ब्राउजर को एंटिक कर देंगे। थोड़ा सा इसे ऊपर ड्रैग कर देता हूं जिससे सही से दिखाई दे, फिर हम यहां से यूजर एजेंट को चेंज करके क्रोम एंड्रॉइड मोबाइल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। पेज के रिफ्रेश होने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां ये सेलेक्ट एडिशन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके विंडोज 10 मल्टी एडिशन आईएसओ इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कंफर्म बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहां से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, फिर से कंफर्म बटन को क्लिक करेंगे, 32 या 64 में से एक को सेलेक्ट करेंगे, फिर डाउनलोड फोल्डर को सेलेक्ट करके सेव बटन को क्लिक करेंगे। इस प्रोसेस से बिना मीडिया क्रिएशन टूल के आप विंडोज 10 आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने के बाद इस तरह से एक आईएसओ फाइल आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी। अब हमें इस आईएसओ फाइल से एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव क्रिएट करनी है, जिसके लिए हम ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन करेंगे और टाइप करेंगे रूफस और सर्च कर देंगे, फिर इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट पर हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, फिर इसके पोर्टेबल वर्शन पर क्लिक करके इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगे, फिर हम अपने डाउनलोड फोल्डर में आएंगे, फिर इस ऐप पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। अब हम अपने कंप्यूटर में एक 8 GB की USB ड्राइव लगाएंगे, जिससे ये ऐप अपने आप डिटेक्ट कर लेगी। USB डिटेक्ट होने पर यहाँ डिवाइस में शो हो जाएगी, फिर आप यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से इस आईएसओ इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से पार्टीशन स्कीम MBR या GPT सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टार्ट बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहां से लोकल अकाउंट को सेलेक्ट करके नाम डाल सकते हैं, लेकिन हम आज इसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करके इसे डिजिटल लाइसेंस से एक्टिवेट करेंगे, इसलिए इन ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। उसके बाद हम इस वार्निंग को पढ़ के यस करेंगे। पहले ये USB ड्राइव फॉर्मेट होगी, फिर इसमें आईएसओ इमेज से फाइल्स कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। इस प्रोसेस के कम्प्लीट होने का वेट करें।
सभी फाइल्स के 100% कॉपी होने के बाद आपको यहां क्लोज लिखा दिखाई देगा। अब आप इस क्लोज बटन को क्लिक करके इसे क्लोज कर दे। आपकी यूएसबी ड्राइव रेडी है। अब आप इससे किसी भी कंप्यूटर में विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब हम अपने लैपटॉप में यूएसबी ड्राइव लगाते हैं और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, और बूट मेनू में जाने के लिए हम अपने कीबोर्ड पर F8 प्रेस करते हैं। ये बूट मेनू F10, F12, कुछ भी हो सकता है जो आपके मदरबोर्ड पर डिपेंड करता है। तो रीस्टार्ट होने के बाद आपका बूट मेनू ओपन हो जाएगा। आप यहां अपनी यूएसबी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके यूएसबी से अपने कंप्यूटर को बूट कर देंगे। यहां आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल नाउ यहां इसे क्लिक करेंगे, सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहां आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से जो भी एडिशन आप डालना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। मैं यहां प्रो एडिशन सेलेक्ट कर रहा हूं। फिर हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। फिर कस्टम विंडोज इंस्टॉल इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर अपने ड्राइव को सेलेक्ट करके फॉर्मेट बटन को क्लिक करेंगे। फिर ओके कर देंगे। ड्राइव फॉर्मेट होने पर नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। विंडोज की फाइल्स कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। अब आप इन फाइल्स के 100% कॉपी और इंस्टॉल होने का वेट करें। आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार इसमें कम या ज़्यादा समय लग सकता है। एंड में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। अब आप सबसे पहले अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना। फिर हम इस यस बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर यस को क्लिक करना है। फिर यदि आपको यहाँ से सेकंड कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप को क्लिक कीजिए। विंडोज की फाइनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इस समय आपको अपने डिवाइस को बंद नहीं होने देना है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। फिर आपको यहाँ पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशन इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट को क्लिक करना है। मैं यहाँ पर्सनल यूज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना है। यदि आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ गेट न्यू ईमेल एड्रेस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ एक यूनिक नेम टाइप करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है जिससे अकाउंट बन सके। उसके बाद यहाँ एक पासवर्ड टाइप करना है। फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ अपनी कंट्री और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पहले अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है और फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है। मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर डाल के आपको नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से अपनी कंट्री और मोबाइल नंबर डाल के सेंड कोड पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पे जो कोड आएगा उसे यहाँ टाइप करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको उस ईमेल आईडी को यहाँ डालना है, फिर नेक्स्ट करके, फिर पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ क्रिएट पिन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ एक पिन टाइप करके सेकंड लाइन में सेम पिन टाइप करके उसे कन्फर्म करके फिर ओके बटन को क्लिक करना है। फिर इन सब प्राइवेसी सेटिंग्स को यहाँ से ऑफ करके एक्सेप्ट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे। इसे रिमाइंड मी लेटर कर देंगे और कुछ समय वेट करेंगे। कोर्टाना हेल्प इसे एक्सेप्ट करेंगे। फिर थोड़ा वेट करेंगे। विंडोज की इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आप विंडोज 10 के डेस्कटॉप पर होंगे। यहां हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारी विंडोज 10 एक्टिवेट है कि नहीं। इसके लिए हम विंडोज आइकॉन पर राइट क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे, फिर हम यहां नीचे अपडेट एंड सिक्योरिटी को ओपन करेंगे। फिर यहां से हम एक्टिवेशन को क्लिक करेंगे। आप यहां देख सकते हैं विंडोज प्रो एडिशन इंस्टॉल हुआ है और नीचे लिखा हुआ है विंडोज इज एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यानी कि बिना कोई प्रोडक्ट की परचेस किए सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाकर आप विंडोज को एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ आप थीम चेंज करो और कुछ भी करो, आपकी विंडो फुल्ली एक्टिवेट है। इस तरह से आप फ्री में विंडोज को एक्टिवेट कर सकते हो। और यदि आपका लैपटॉप विंडोज 11 को सपोर्ट करता है तो आपको इसकी अपडेट भी मिल जाएगी, और यदि आपका लैपटॉप विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं करता है
तो इस विंडोज को अनसपोर्टेड डिवाइस में कैसे अपडेट कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।